वंदे मातरम, जय श्री राम। राम इस देश में विदेश मुगलों को देश के लूटने वाले जितने भी पुराने बादशाह थे उनके साथ नाम बदले जाएंगे। ये राम कृष्ण की धरती है, राम कृष्ण के वंशजों के नाम रखकर हम देश का नवनिर्माण करना चाहते, नए भारत के सपने को पूरा करेंगे। ये राम की धरती है, कृष्ण की भूमि है और इसमें किसी भी लुटेरे को हिंदुस्तान की सरजमी धरती पर उसके नाम न जिला का नाम बदला जाएगा और जो बाबरी मस्जिद के नाम पर विदेशी आक्रमणकारियों को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आयुष्मान होने की भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर जो एक नए सेतु का निर्माण किया है जिसमें विश्व की राम की सबसे बड़ी प्रतिमा सरयू किनारे बनाई जाएगी और राम के पिता दशरथ के नाम से मिलकर काली की रक्षा बनाया जाएगा और राम के नाम पर हवाई अड्डा बनाया जाएगा। जिस तरीके से योगी ने यह काम किया है उसी तरीके से अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुछ हमसे तारीख पूछते हैं कब बनेगा। राम मंदिर के लिए शुभ काम के लिए तारीख पूछने की कोई जरूरत नहीं। जब राम की कृपा होगी अयोध्या में राम का मंदिर बनेगा। कोई माई के लाल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण नहीं रोक सकता है। बाबर ने जबरदस्ती हिंदुस्तान के राम मंदिर तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया था। बाबर की यहाँ कोई हसियत नहीं थी न कोई जायदाद थी। वो जबरदस्ती लूट करके आतंक के बदौलत, गुंडाई के बदौलत, लफंगाई के बदौलत राम मंदिर कोई भी ईमानदार व्यक्ति चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो राम की धरती को तोड़ करके मंदिर तोड़ कर मस्जिद नहीं बनाएगा। बाबर आतंकवादी था, विदेशी था, और राम को देखना नहीं चाहते थे। राम के स्वभाव को स्वरूप को बिगाड़ने का जो घड़ित पाप किया है उन्हें भगवान हिंदुस्तान में ही नहीं अगर वो वहाँ परलोक भी चले गए उनकी आत्मा शांति नहीं मिलेगी।